उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोंकर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया के खंडारी परिसर स्थित आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया तथा उनकी अनुपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के नाम 4 सूत्रीय मांग पत्र सांसद प्रतिनिधि प्रमोद गुप्ता गांधी को सौंपते हुए स्थायी समाधान की मांग की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय अंतर्गत सभी मांग पूरी नहीं की जाती है तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जाएगा। आज से इसका आगाज हो चुका है, जल्द ही जनवरी माह में राजधानी दिल्ली में विशाल आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मित्र आगामी 2019 लोकसभा का चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न नहीं होने देंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल के आवास का घेराव करते हुए उनकी अनुपस्थिति में किसी के ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित न होने पर गुस्साए शिक्षा मित्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आवास के गेट पर मांग पत्र को चस्पा कर दिया। शिक्षा मित्रों के घेराव प्रदर्शन में सम्मिलित होते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर ने अपने पदाधिकारियों सहित प्रदर्शन में उपस्थित रहते हुए शिक्षा मित्रों को अपना नैतिक समर्थन दिया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिला संरक्षक शिशुपाल सिंह चाहर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष करतार सिंह यादव, कोषाध्यक्ष राम निवास चाहर, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह परमार, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला उपाध्यक्ष हरेश चौहान, जिला महामंत्री राम प्रकाश लवानिया, प्रदीप कटारा, रणवीर सिंह सिकरवार, जय सिंह ठाकरे, रघुवीर प्रसाद शर्मा। जिंदाबाद। सरकार में दम नहीं है, रोजी रोटी दे न सके जो।